नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय हम लोग थोड़ा सा धूल धक्कड़ हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज हैं हरिद्वार कुंभ की बड़ी कवरेज को लेकर के, कि उत्तराखंड सरकार मेला अधिकारी महोदय क्या कर रहे हैं, कितना विकास के काम कर रहे हैं। फिलहाल ये जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर इसलिए बनाई जा रही है ताकि अगर आप श्रद्धालु आए हरिद्वार में, तो हरिद्वार में एंट्री करते समय आपको ये तस्वीरें दिखें और आपका मन ये तस्वीरें मोह लेंगी। ये तस्वीर अभी बन रही है, जैसा किसी ऋषि महात्मा का ये तस्वीर, किसी ऋषि महात्मा का फोटो ये तैयार हो रहा है। और ऐसे ही बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बन रही हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी होंगी जो तैयार हो चुकी होंगी। ऐसे हर एक तस्वीर को हम आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस समय दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है, जो ब्रिज का जो पिलर है, इस पिलर पे डिज़ाइंस बनाए जा रहे हैं, जिससे कि अगर श्रद्धालु आए तो उनका मन ये तस्वीरें, ये डिज़ाइन ज़रूर मोह लेंगी। और भी ये तो वो हैं जो बन रही हैं, अभी अगर आप पास इसके जाएंगे तो ये बनती हुई तस्वीरें हैं, लेकिन हम आपको वो भी दिखाएंगे जो बन चुकी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे जो बन चुकी हैं। आइए एक तरफ हम चलते हैं और आपको हम वो भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि कुछ तस्वीरें बन रही हैं, कुछ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये वो तस्वीरें हैं जो बन चुकी हैं। ये और भी खूबसूरत लगेंगी। अभी हम लोग हैं यहाँ पर उपस्थित श्रद्धानंद चौक पर, तो श्रद्धानंद चौक पर जो स्थिति आप देख सकते हैं कि पिलर्स जो बने हुए हैं, इस पिलर्स के ऊपर डिज़ाइन तैयार किए जा रहे हैं। एक तरफ डिज़ाइन तैयार हो चुका है, दूसरी तरफ डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और भी ये है हमारा श्रद्धानंद चौक, अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, बन सकती हैं। फिलहाल हम आपको एक जैसा श्रद्धानंद चौक की हम आपको दिखा रहे हैं, अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसकी स्थिति को भी सुधारने का प्रयास उत्तराखंड सरकार मेला अधिकारी महोदय ज़रूर करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ पे ट्रैफिक है, जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म होता है वैसे ही हम आपको आगे की जो तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋषि मनुष्यों के तस्वीरें बनी हैं। तस्वीरें बनी हुई हैं जो आप अभी इस समय हमारे ठीक सामने देख रहे हैं, वो तस्वीरें आपका मन जरूर मोहेंगी। अभी जैसा कंस्ट्रक्शन की बात है, देखिए ये डिजाइनर्स हैं जो डिजाइन कर रहे हैं, हर पिलर को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हर पिलर्स को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन जरूर आए, पास में आए और पास में आकर के इस दीवार को जरूर दिखाएं आहिस्ता आहिस्ता, कि ऋषि मनीषि, जैसा कि हरिद्वार माया नगरी कहते हैं, धर्म नगरी कहते हैं, और धर्म के लिए ऋषि संत ही हैं जो कि इसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और लोगों के मन में ऋषि संतों के प्रति एक आस्था का भाव, एक सम्मान का भाव बनाए रखने के लिए उनके मन में ये ऋषित्व और संत की जो सोच है उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इस तरीके की डिज़ाइनिंग की जा रही है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम हैं श्रद्धानंद चौक पर, और श्रद्धानंद चौक पर जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है वो आप अभी इस समय देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी कवरेज होंगी जो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। द न्यूज़ द्वारा नेटवर्क एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको निगेटिव चीज़ें तो दिखाते हैं, आज हम आपको वो दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड सरकार मेला अधिकारी महोदय
मिल करके इस महाकुंभ को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जनवरी से महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, हरिद्वार में देश विदेश से लोग आएंगे, तो उन सभी के लिए एक यादगार पल देने के लिए ये तस्वीरें बनाई जा रही हैं और साथ में विकास का काम किया जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो का बटन दबा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।